आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लास का टाइप वन ऑटो स्टोरेज क्लास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है, इसे कैसे डिक्लेयर करना है यानी इसका सिंटैक्स, और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको समझाएंगे कि इसे प्रोग्राम में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स आर ऑटो। बाय डिफॉल्ट All the variables are auto। हम अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास के ही वेरिएबल रहते हैं, यानी ऑटो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आगे हम पॉइंट लिखेंगे, इट यूजेस टू डिक्लेयर, इट यूजेस टू डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल। हम ऑटो कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल को ऑटोमेटिक डिक्लेयर करते हैं, और अगर हम ऑटो कीवर्ड यूज़ नहीं भी करते तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर सिंपली, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर सिंपली लोकल वेरिएबल्स कॉमा लोकल वेरिएबल्स। जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि क्या होते हैं, विच आर ऑटो डिफॉल्ट। वो पहले से ही क्या होते हैं, विच आर ऑटो डिफॉल्ट। वो जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल यूज़ करने के लिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो वेरिएबल ही होता है, वो ऑटो स्टोरेज क्लास का ही वेरिएबल होता है। तो इसे डिक्लेयर कैसे करना है, इसका सिंटैक्स चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑटो कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डेटा टाइप, किस टाइप का आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं, वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम। तो ये होता है इसका जनरल सिंटैक्स। लेकिन आप अगर इसमें डेटा टाइप और वेरिएबल नेम ही सिंपली लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया डेटा टाइप वेरिएबल नेम, तो ये दोनों सिंटैक्स जो है वो ऑटो स्टोरेज क्लास का सिंटैक्स है। अगर आप ऑटो कीवर्ड लिखते हैं तो यूज़र बता दिया पहले से ही कि ये ऑटो वेरिएबल है, अगर आप नहीं लिखते तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इसे ऑटो वेरिएबल ही ट्रीट करेगा। और ऑटो वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ तक होता है, विद इन ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर आप इस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे ये उसी ब्लॉक तक ही एक्सेसिबल होगा, और इसका लाइफ टाइम इसी एंड ऑफ ब्लॉक तक ही रहेगा। चलिए इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के आपको समझाते हैं कि कैसे ऑटो कीवर्ड का यूज़ करके भी हम उसी वेरिएबल को वहीं तक एक्सेसिबल कर सकते हैं, और विदाउट ऑटो के भी, क्योंकि दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम दो प्रोग्राम आपको समझाएंगे स्टोरेज क्लास का। सबसे पहला वाला प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इस ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो मैंने सिंटैक्स आपको बताया उस सिंटैक्स का यूज़ करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे, और सेकंड प्रोग्राम में जो ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप एंड लाइफ टाइम मैंने बताया था उस स्कोप एंड लाइफ टाइम को भी मैं समझाऊँगा। तो प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करा, क्योंकि इसके फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। कोनायो डॉट भी मैंने लिखा, क्योंकि इसके फंक्शंस को भी हम प्रीडिफाइन जो फंक्शन है उसका भी यूज़ करेंगे। देन हमने वॉइड मेन फंक्शन लिखा है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और चेक करेंगे कि उसका वैल्यू गार्बेज प्रिंट कर रहा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बनाऊँगा, सबसे पहले मैं वेरिएबल बना देता हूँ इंट ए। तो ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये भी एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है, यहाँ पर मैं कॉमेंट करके लिख देता हूँ ऑटोमेटिक वेरिएबल। और मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ बी नाम का, तो उसके लिए मैं ऑटो कीवर्ड का यूज़ कर देता हूँ ऑटो इंट बी, तो ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल ही है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ ऑटोमेटिक वेरिएबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर में लिखा गया है। तो मैंने इसका आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताया था गार्बेज, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सच में गार्बेज प्रिंट होता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीजर डेटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट डी है उसका यूज़ करता हूँ,
स्पेस दे दिया मैंने ताकि दोनों वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो। उसके बाद अब कॉमा देके ए और बी को हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ए और बी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। गेट सी एच से प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे सी एल आर एस सी आर फंक्शन भी यूज़ कर देता हूँ ताकि कंसोल क्लियर रहे हमारा। तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करा सिंटैक्स यूज़ करके और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए गार्बेज वैल्यू हुआ। हमने आपको कल ही बताया था कि गार्बेज वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रैंडम इंटीजर नंबर। तो एक के लिए नेगेटिव आया, एक के लिए पॉजिटिव, तो ये दोनों ही गार्बेज वैल्यू है, ये सिस्टम डिसाइड करता है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। अब हम सेकेंड प्रोग्राम में क्या देखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर हम ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाएंगे और उस ऑटोमेटिक वेरिएबल को स्कोप एंड लाइफ टाइम को हम चेक करेंगे। सेकेंड प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हमने एक वॉइड ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर हमने दो ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया है, ए और बी दोनों में वैल्यू सेट किया 10, 20। तो अगर आप ऑटो कीवर्ड लिखते हैं तो भी वो ऑटोमेटिक वेरिएबल है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसे ऑटोमेटिक वेरिएबल ही ट्रीट करेगा, क्योंकि हर लोकल वेरिएबल अपने आप में एक ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। तो इसमें हमने क्या किया, ए प्लस बी सम परफॉर्म करा के प्रिंटफ फंक्शन में प्रिंट करा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। सबसे पहले तो हमारे फंक्शन का नाम है ऐड। यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन को कॉल करा और गेट सी एच से प्रोग्राम क्लोज। तो उससे पहले मैं सी एल आर एस सी आर यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो अभी गार्बेज वैल्यू वाला शो करेगा, तो वो ताकि ना शो करें। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हमने फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया है और फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए और बी वेरिएबल आपको दिख रहा है ऐड फंक्शन में, इस वेरिएबल का स्कोप इसी विद इन ब्लॉक तक है। ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है void add फंक्शन का, इसी void add फंक्शन के ब्लॉक तक ही इस वेरिएबल का पहचान है। और इसका लाइफ टाइम, हम इसका लाइफ टाइम इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, ये यहीं तक इसका लाइफ है इसी ब्लॉक के अंदर। अगर हम चाहें कि a और b को हम मेन फंक्शन में प्रिंट कराएं तो हम नहीं कर सकते, ये हमें एरर शो देगा कि लोकल वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, चलिए कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा, क्योंकि हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं करा। तो हमने डेफिनेशन दिया फंक्शन का, यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने मेन फंक्शन के नीचे फंक्शन के डेफिनेशन को दिया है। अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन डायरेक्टली यहीं पर दे देते हैं तब आपको प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने नीचे लिखा है इसीलिए यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना जरूरी है। आप इसे मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देख सकते हैं एडिशन 30, 10, 10+20 हो गया 30। तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल का हमने आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके बताया, उसका स्कोप एंड लाइफ टाइम को भी हमने आपको समझाया कि कैसे अगर आप इस वेरिएबल को मेन में प्रिंट कराएंगे तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करके सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को प्रिंट करके ए प्लस बी को आपको दिखा देंगे। चलिए अब कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एरर दे रहा, कंपाइलर बोल रहा अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी, यानी ए और बी वेरिएबल को पहचान नहीं पा रहा मेन फंक्शन में। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप जो है वो सिर्फ void add फंक्शन तक ही है। जब इसका स्कोप एंड लाइफ टाइम इसी फंक्शन तक है तो हम इसे किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल होता है जिसका स्कोप विद इन ब्लॉक होता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ऑटो स्टोरेज क्लास को लेके। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए।